इस बार जेड ने बहुत परेशान कर दिया। नहीं, पहले क्वेश्चन गलत, फिर उसमें बोल दिया कि +1 मार्क्स देंगे, फिर रिजल्ट आया उसमें मार्क्स नहीं दिए। आप लोग भी काफ़ी परेशान हो गए होंगे, और जेड से ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ है। और अब फाइनली अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस समय की जो न्यूज़ है कि स्कोर कार्ड भी रिमूव हो गया है भाई। अभी आप लोग लॉग इन करके देखोगे तो फॉर्म अवेलेबल सून करके कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब इसके पॉसिबल रीज़न क्या क्या हो सकते हैं अगर इस पे हम बात करें, तो वही जो अभी मैंने शुरुआत में ही बोला, क्योंकि इन्होंने कहा था कि क्वांट में +3 मार्क्स ये लोग अलॉट करेंगे, वो नहीं किया, ठीक है। उसकी जगह आपके 3-3 मार्क्स, इन्हें आपने जो कैलकुलेट किया होगा डिडक्टर है होंगे, है ना, वो 3 क्वेश्चन काउंट नहीं किए। तो भाई अगर ऐसे ही करना था तो आपको पहले नहीं बताना था, और आप किसी चैनल पर आके लाइव बता दिए थे, ठीक है। दूसरा पॉसिबल रीज़न ये होगा कि इन्होंने जो अनअटेम्प्टेड की कैलकुलेशन है इसके हिसाब से फिर वो गड़बड़ हो गई। अगर 3-3 क्वेश्चन कम कर दिए थे तो फिर वो -8 वाला जो था, यानी 8 क्वेश्चन तक आप छोड़ सकते हो, वो वाली कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ एरर हुई है, जिसकी कंप्लेंट काफ़ी बच्चों ने की होगी। तो हो सकता है कि स्कोर कार्ड रिमूव कर दिया गया हो। तो ये 2-3 पॉसिबिलिटी हैं। आई थिंक वर्बल में भी कुछ था। आपके हिसाब से जो भी पॉसिबिलिटी आपको लगती हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, है ना। और जैसे ही कोई अपडेट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। और आपके मन में क्या विचार हैं जेड को लेके, आप क्या सोच रहे हो, ये भी जरूर लिखना। तो अपन देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके मन में भी क्या हैं, और क्या क्या अब आगे हो सकती हैं, अब रिजल्ट में क्या चेंज आएंगे। अब कई बच्चे बेचारे बहुत दुखी हो गए होंगे, कई बच्चे बेचारे बहुत खुश हो गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं उन सबके रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और उम्मीद है कि जेट इस टाइम अब जो भी रिजल्ट लाए एकदम सही लाए, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जरूर दे। मेरा बस एक ही कंसर्न है कि अब जब भी स्कोर कार्ड आए उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन जरूर दें कि जो भी क्वेश्चन रॉन्ग थे, है ना, उनके साथ उन्होंने क्या किया, और ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का उन्होंने क्या किया। अगर ये वीडियो आप लोग भी मेरा सुन रहे हो तो इन 2-3 चीज़ों से रिलेटेड भी आप मेल कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन की पॉलिसी क्या थी, बस इतना समझा दो, बाकी हमें कुछ नहीं जानना है। सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको पूछना है कि हमें बस इतना बता दो कि कैलकुलेशन की पॉलिसी क्या थी, ख़त्म, है ना। अनअटेम्प्टेड की क्या थी, रॉन्ग जो क्वेश्चंस थे उनकी क्या थी, ये सब कैलकुलेशन बस पता चल जाए, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।